हाँ ओके ग्रेट फाइन। तो ये वर्किंग हो गया अभी, मतलब डेटाबेस में जा रहा है या नहीं, या यूआई में अकेला किया है, डेटाबेस में ऐड हो गया ये चीजें? फाइनली इसको करना क्या होगा, जीआई को जो कनेक्ट आपको करना होगा, वो आपको कनेक्ट करना होगा अमन, ये एपीआई से कनेक्ट करना होगा इस लॉगिन साइनअप को, या फिर ये इसके डेटाबेस, हाँ एपीआई से होगा ना हमारा, आई गेस डेटाबेस से तो नहीं है ना? बट आप शायद प्रेफर कर, हम लोग प्रेफर कर रहे हैं एपीआई से ना, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो यूआई का अभिषेक आप हैंडल कर पा रहे हैं, तो अब आप बता दो कि लाइक क्या क्या उसको करना है, ताकि वो उतना काम वो कर दे, एंड उसके बाद आप देख पाओ ये कैसे जेंगो में कैसे वो होगा रेंडर, जो भी आप बोल रहे हो तो वो कैसे इंक्लूड हो पाएगा, ताकि फाइनली हमारा पोर्टल स्टार्ट। एक सेकंड, पहले आप चाहो एक बार एक काम कर सकते हो, उसको शो कर सकते हो वो चीज, या एक काम करता हूँ मैं ही शो करता हूँ, बिकॉज वो जो समझ नहीं आएगा ना इसमें से, वो है नहीं, अगर वो जो हम सिटी का डिवाइस से क्या है वो तभी समझ आएगा जब हम वो बता देते, तो मैं शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके। पोर्टल पोर्टल का प्राइस ही याद आता, मैं देखना पड़ेगा वो बोल जा पाए। आप लोग को स्क्रीन अच्छा विजुअल लेना है, वैसे जरूर रिक्वायर्ड नहीं है, मैं पिन कर सकता हूँ जैसा भी।
अभी थोड़ा सा याद रखना है, 13 से स्टार्ट होता ना, हम लोग बार बार भूल जाते, इसलिए मुझे पूरा लॉग इन करना पड़ता। 13 पॉइंट, ओके। तो ये अभिषेक, बेसिकली हम लोग का ये जो पोर्टल है, जो कि जेंको का डिफॉल्ट एडमिन पोर्टल, इसमें आपका क्या है, डिवाइसेस, ये एजेंट्स है आपका। हाँ, तो एजेंट्स में हम लोग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये एजेंट हमारा काइंड ऑफ वो यूजर है, जैसे कि अभी यहाँ पे दो यूजर और ऐड हो जाएंगे हमारे, दो टाइप के, ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका सुपरवाइजर। ये टोकन्स हैं, ये स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो अभी दिख रही ना, खैर आपको तो पता ही है। तो डिवाइसेस का अभिषेक, डिवाइस में ये है आपका डिवाइसेस, ये डस्टबिन, स्मार्ट टॉयलेट्स, वॉशरूम्स एंड वाटर। अभी वाटर वर्किंग है एंड स्मार्ट टॉयलेट्स एंड डस्टबिन, ये 3 डिवाइसेस मेनली हमारी है। एंड डिवाइसेस में जाके हम डिवाइसेस शायद ऐड कर सकते हैं। डिवाइसेस में क्या ऐड कर सकते हैं, डिवाइसेस टाइप। मैं ये बोलूँ, एंड डिवाइसेस का जो ऑप्शन होता है, डिवाइसेस के अंदर डिवाइसेस का भी एक ऑप्शन है, उसमें मैन्युअली कोई पर्टिकुलर डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ है क्या, कोई डिवाइस ना, डिवाइस टाइप, कस्टम डिवाइस बना सकते मतलब ना। वैसे ही एक टाइप होगा, ओके, सॉरी सॉरी लगा, हाँ ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो ऐसे करके अभिषेक आपको थोड़ा आइडिया लग रहा था कि पोर्टल्स में क्या है बेसिकली, है क्या, जब इस डिवाइसेस के अंदर जैसे हम डस्टबिन में जाते हैं, तो डस्टबिन में हमारा ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो दिखेंगे हमें उस पर्टिकुलर डस्टबिन का। जैसे इतने सारे डस्टबिन अभी हमारे, इन डस्टबिन की क्या वैल्यू है वो सब हमें दिख रही है, प्लस साथ में उनके सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेंगे ट्रांजेक्शन के अंदर। तो ये जो सब दिख रहा है वो अभी सब टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है ना, रॉ है, ये नॉर्मल यूजर को समझ नहीं आएगा, हमारे टेक्निकल के लिए तो ठीक है बट नॉर्मल के लिए नहीं समझ आएगा। आपको यही चीज सारी हमें यूआई में करनी है, जो मैंने आपको यूआई का जो सैंपल, जो डेटा अटे करके टेबल करके है, जो यूआई, उसमें हमें ट्राई करना है कि हम बेस्ट उसमें फिट करें चीजें। तो यूआई उस वो बना हुआ है ऑलरेडी, तो उससे फायदा ये रहेगा कि आपको हर चीज मतलब अपने पूरी स्क्रैच से नहीं करनी पड़ेगी ना, एक तरह से, आई मीन स्क्रैच से शायद करनी पड़े बट आपको रेफरेंस मिल जाएगा एक तरह, ठीक है। तो उस यूआई का यूज करके, बिकॉज मुझे वो ठीक लगा कि बेस्ट हमें जो चाहिए अप्रोक्स वैसे ही है, तो उसको फॉलो करते हुए भी आप बना सकते हो, या फिर उसी में एडिट करते हुए बना सकते हो, आप जैसा भी चाहो। बट फाइनली हमें ये चाहिए कि जो जैसे एडमिन पोर्टल होता है कोई भी चीज का, वैसे मैनेज करने के लिए सब कुछ हो, उसका एनालिटिक्स हो ना। एनालिटिक्स मतलब कि हम जैसे इन सब डिवाइसेस है, तो हम दिखाएंगे ना कि हम 2019 में हमारी इतनी डिवाइसेस थी, 2020 में इतना इंक्रीज हुए डिवाइसेस, तो हम उनमें ग्राफ भी बाद में बनाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान करके मैंने वो यही लिया हुआ है, क्योंकि उसमें ये चीजें हैं, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग और भी इसमें क्या होती है कि आपका जब जब भी हम उसमें टेबल्स जो भी दिख रही है उन सब, या यूआई में सारे तुम्हारे जैसे बटन्स है, तो उन सबका एक टाइप दिया गया कि उसका कोड क्या होता है पूरा बटन का, तो आपको बटन का पूरा पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस यूआई बनाने का मतलब ही है कि उस बटन पे आप जाओगे तो उसका पूरा कोड आपका रेडी मिल सकता है ना आपको, जो पूरे यूआई में कहीं भी आप डाल दोगे तो वो बटन वहां पे क्रिएट हो जाएगा जहां भी आप चाहोगे, राइट। यही यूआई का मतलब है, सोर्स कोड का। इसके अंदर जितनी बटन के टाइप है या कॉलम के टाइप है, वो उनको कहीं भी अभी यूटिलाइज करना है, तो पूरा पूरा आपको कोड बना बनाया, चीजें अलग अलग पार्ट्स है उनको आपको पूरा यूटिलाइज कर सकते हो एज अ फंक्शन, या एक पूरा कोड उठाया उसको कहीं भी रखा तो आप यूटिलाइज हो सकता है। तो इसलिए वो यूआई का रेफरेंस आपको हमने मैंने दिया हुआ है कि आप वो उसको फॉलो करके हमें ये सब पूरा इसका पोर्टल बनाना है। ये जितनी चीजें हमें दिख रही है ये तो ये भी वहां पे रहेंगी रहेंगी, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि जो जिसका जिसके पास जिस चीज का एक्सेस होगा वो वही कर पाएगा आपका, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डिवाइस का एक्सेस, ये 250 40 नंबर ऑर्डर है जो भी, ये इस डिवाइस का है, डिवाइस 310 का, 310 का ट्रांजेक्शन का है ये, तो आप इस डिवाइस के बारे में जो डिटेल देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सेस है, क्योंकि एडमिन है तो हमें हर चीज का एक्सेस है, बट जो भी यहाँ पे लॉग इन होगा, अगर वो पर्टिकुलर एजेंट लॉग इन कर रहा होगा, तो वो अपने ही डिवाइस का देख पाएगा यहाँ पे,
राइट। तो ये ऑथेंटिकेशन आपको सब एपीआई के थ्रू मिलेगा, जो कि जो एपीआई बना रहा है उसमें वो आप देख लेना। अब बता दो कि आप कैसे क्या इंटीग्रेट करना है, आप लोग प्लान कर लो उसको। एक सेकंड। हाँ एक सेकंड। हाँ क्या बोला आपने? सॉरी रेफरेंस के लिए जेंगो का वेबसाइट, वो तो यही तो था जो जो इसके पास है, जो उसने जिसमें लॉगिन पेज दिखाया ना, इसमें उसी के अंदर है वो डैशबोर्ड। आप अभिषेक आप वो शो कर पाओगे एक बार? और जो आपने लॉगिन दिखाया है जहाँ पे ना लॉगिन साइन अप, उसमें जब लॉगिन हो जाता है तो वो कैसे खुल के आता है, वो दिखा पाओगे आप? नहीं कोई नहीं, नहीं यूआरएल दिखा दो ना, जो यूआरएल मैंने शेयर करी थी आपको, वो तो डायरेक्टली खुलता है ना वहां पे लॉगिन डेमो करके, वो दिखा दो आप। ठीक है गौतम, मैं क्या बोल रहा था कि देखो आपने फाइल अभी जैसा कि वैसे ही शेयर कर दो, उसके बाद मैं पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेना चेंज करेगा। पहले मुझे फाइल चाहिए ताकि लोगों से पूछ के हम आइडिया ले सके ना, तो अभी जैसा वैसे ही फाइल ले। वो चाहिए ठीक है अभी। कोई नहीं, मैं भेजता हूँ कोई की बात करें।
अपने हिसाब से काम करिएगा, बस अपडेट करते रहिएगा एंड थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेशन सही दीजिएगा कि लाइक 5 घंटे इसमें लगेंगे या 2 दिन लगेंगे, तो मैं उसी हिसाब से अपना प्लान करेंगे ना, बता दीजिएगा। कोई नहीं, आप तो ट्राई करिए कि इस जितना चीजें कर सको, मोस्टली हमारी बेसिक जितनी रिक्वायरमेंट है ना, बेसिक लॉग इन साइन अप ये इतना कंप्लीट कर दो आप, वो भी इनफ होगा अभी के लिए, आने के लिए हमारे लिए, आप उतना तक इस वीक में कर देना सारा काम ना। अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद आपका हाँ डैशबोर्ड में मतलब कुछ कुछ चीजें दिखने लगे, वही देख लो वो क्या क्या चीजें दिख पॉसिबल है जो भी। चलो इस वीक आप ट्राई करो जितना बेस्ट दे सको, उसके बाद फिर आप अपना कम टाइम दे देना, कोई नहीं। ठीक है ठीक, अमन आपने एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट था आपका? एजेंट हमने बात करा था कि एजेंट आपका सुपरवाइजर से जुड़ेगा और फिर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन वाला बंदा सुपरवाइजर बनाएगा बनाएगा, चाहे वो खुद को अकेला ही बनाए। एजेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी सुपरवाइजर से भी ठीक है। हाँ वो इतना तक ठीक है, बट मुझे अभी जो समझ आ रहा है कि बेसिकली हो क्या सकता है, आपके सुपरवाइजर वो मल्टीपल कभी भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक रहेगा। ठीक है, तो उस केस में आपका कि हम अगर एक ही सुपरवाइजर है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और सुपरवाइजर सेम ही होगा, मतलब वही बंदा दोनों बनाएगा अपना अकाउंट एंड उसके बाद आप करके रखेगा। एंड इन केस अगर सुपरवाइजर आपका आपका चेंज होता है, तो सुपरवाइजर चेंज अगर हुआ, अगर सेम ही बंदा है तो ऑफकोर्स सुपरवाइजर चेंज हुआ तो वो ऑर्गेनाइज जो और दूसरा जो भी चेंज होगा वो होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि वो सेम वही सेम बंदा है तो अपने आप को वो सुपरवाइजर में भी चेंज कर लेगा। हाँ
यही ठीक है ना, डन है ना? मतलब सिंपल सी हैं, दो ही टाइप, एक एजेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बना है तो उसके अंदर सुपरवाइजर आएगा आएगा, वो अलग चीज है, तो वो बनाएगा बंदा खुद ही। फोकस है हमारा एजेंट, हाँ भेज दिया था मैंने ना, उस उसके हिसाब से तो बनाया हुआ है लॉगिन साइनअप पेज में, फील्ड वही तो थे सारे। फिल्टर करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा हमें ना, तो फिल्टर करने के मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं हम कि पहले उन्होंने सिलेक्ट किया सिटी एंड स्टेट, पहले हाँ पहले स्टेट सिलेक्ट किया एंड स्टेट के बाद उन्होंने सिलेक्ट कर लिया अपना, स्टेट के बाद सिटी सिलेक्ट किया, तो अब हमारे पास फिल्टर नीचे जो ऑप्शन आ गए वो कम ऑप्शन बचे। सॉरी सॉरी, फिल्टर इसलिए देखो, जब जैसे आपको सबसे मेन मान लिया कि सबसे पहले उसको स्टेट फिल्टर करने हैं, सिलेक्ट करना है, तो इंडिया जब तो सिलेक्ट करेगा तभी तो स्टेट फिल्टर होगा ना, तभी तो टाइप ही दिखेंगे ना उसको, नहीं तो और कंट्री भी अलग स्टेट दिखेंगे। इसमें सारे लिस्ट में नॉर्मल हर वेबसाइट में हमने देखा हुआ है ना कि इंडिया पहले कंट्री कराते हैं, फिर स्टेट, और फिर शायद आपका सिटी बोलते हैं लिखने के लिए। सिटी तो ये करते हैं कि अदर में भी चल जाता है, कोई ऐड भी कस्टम भी ऐड कर सकते हैं, बट स्टेट को ऐड नहीं करा जाता ना, राइट? कस्टम स्टेट को ऐड नहीं करा जाता ना, सिटी को ऐड किया जाता कस्टम। तो बेसिकली हम भी वही करते हैं, तो उस चीज को कहीं तरीके से कैसे भी फॉलो करना हमें कि जो, और ना वहीं से कहीं से फेच कर सकते हैं जो आती होगी, जो और लोग आई गेस कहीं से करते हैं या फिर ठीक वही करते हैं। तो ये अभिषेक आप देख लो, साइनअप जहाँ पे आप करा रहे हो ना, लाइक आप देखो कि साइनअप कराते टाइम कंट्री और इन सब का डेटा लोग कैसे लेते हैं, तो कुछ वीडियोस देखोगे आप समझ जाओगे, कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि लोग कैसे साइनअप के टाइम पे ये सिटी और कंट्रीज का कैसे लेते हैं डेटा ना। कोई ना कोई होगी जगह जहाँ से इजी होता होगा लेना ये सब, कि रेदर देन टेबल बनाए फालतू फट करे, कोई होगा सिंपल सा ये कहे तो वो हमने जस्ट वो यारल पुट करना है, वो अपने आप ही फेच कर देगा पूरा लिस्ट, राइट? तो वो कोई तरीका वैसा देखो सिंपल, क्योंकि तो हमारा कोड कम से कम लाइट वेट हो। ये ट्राई करो। तो यूनिक की का कुछ अमन क्या डिसाइड है फिर? यूनिक की जो हमें रखना है, आईडी सबका, वो अभी मोबाइल नंबर, वैसे आईडी मतलब एक पर्टिकुलर आईडी, जैसे जैसे रिकॉग्नाइज जो हमारा यूजर, यूजर ही बात कर रहा हूँ मैं, नॉट डिवाइस, यूजर नेम को लेके चल रहा अभी। ठीक है ठीक, अभी के लिए फिर ठीक है, डन है, ओके। बाद में हम इसको मोबाइल नंबर और वो सब ईमेल बाद में देख लेंगे, ठीक है? राइट राइट, परफेक्ट, ठीक है, ओके। राइट
दे दे रहा हूँ आपको ना, मैं पोर्टल का एक्सेस दे दे रहा हूँ इसको ना, ये खुद ही करके कर लेगा हिसाब से करेंगे अब। ठीक अभिषेक, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा क्या डेटा कैसा है, तो आप इसके हिसाब से करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली होते आपको कुछ डाउट, आप तुरंत कॉल करके कंफर्म कर लेना मेरे से, या आप वैसे भी मैसेज कर। ठीक है, सो ठीक है। हाँ आज तो डाउट रहेगा ही आपको, आई एम श्योर कि आपको डाउट रहेगा, बहुत जगह आपको लगेगा समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आप तुरंत पूछ लेना, क्योंकि फाइनली इसको कराना है तो है, एंड फिर आप बिजी हो जाओगे तो हम नहीं चाहते आप पे टाइम लगे, तो जो भी हो तुरंत आप पूछ लेना जब भी डाउट लगे आपको। और बकाया ब्रॉड में आपको अगर शॉर्ट में, इन शॉर्ट फिर से बोलूँ तो आप इसको इतना ये समझो स्मार्ट सिटी पोर्टल है, जहाँ पर हमारी डिवाइसेस मैनेज हो रही है, तो आप मैनेजमेंट का कोई भी पोर्टल उठा लो, हर जगह यही होता है। जैसे एक सेल्स वाला मैनेजमेंट पोर्टल भी ले लो ना, तो उसमें भी यही होता है कि इनवॉइसेस बनती है, वहाँ पे मैनेज होता है इनवॉइसेस, क्लाइंट मैनेज होते हैं, राइट, वो लिस्ट आती है रिसेंट, सबसे पहले डैशबोर्ड पे रिसेंट सब कुछ आता है कि रिसेंट आपके इनवॉइस, रिसेंट वो रिसेंट यूजर्स, राइट, फिर वो वी ऑल करके बटन आता है कि वी ऑल किया तो सारे एक जगह टेबल दिखने लगे, फिर ऐसे हमारे भी दिखने हैं, डिवाइसेस भी हमारे ऐसे ही दिखने हैं, तो सब कुछ जैसे एक पोर्टल होता है वैसे ही है हमारा। तो कोई भी और भी रेफरेंस आप देख सकते हो जब भी आपको डाउट लगे। ठीक है, फिर भी डाउट होता आप मुझे फिर बताना। ओके ओके, बाय, थैंक यू। अरे क्या नाम, जान,